नमस्कार, कुक एंड लर्न विद मिथिला चैनल में आपका स्वागत है। आज अपनी किचन में हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पोहा। यह वेट लॉस तो करता ही करता है, साथ साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। आइए इस हेल्दी नाश्ते को हम कितने सिंपल तरीके से बनाते हैं, देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। हमने लिया है एक कटोरी पोहा, सोया चंक्स हैं जिन्हें मैंने पानी में डिप कर दिया है गर्म पानी में, ताकि इनमें जो इम्प्योरिटीज़ हों सारी निकल जाएं। कभी भी इनको बिना डिप किए आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी मूंगफली के दाने हैं जिन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। कोई भी ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए, आप देसी घी में भी बना सकते हैं। यहाँ हमने लिया है कोई भी ऑयल जो हम यूज़ करते हैं। थोड़ी सी सब्जियाँ हैं जिन्हें हमें बारीक बारीक चॉप कर लिया है। गोभी, शिमला मिर्च, बीन्स हैं बारीक कटी हुई, गाजर है, ये फ्रेश मटर हैं, अभी अभी नए नए मटर आए हुए हैं जिनका स्वाद बहुत ही अच्छा है। ग्रीन प्याज है जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च है, इसे भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हमने हरे धनिए को थोड़ा चॉप कर लिया है। ये है करी पत्ता, करी पत्ता ऑप्शन है, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है। वैसे इसका स्वाद और इसकी जो फूड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो भी पोहा बनता है वो करी पत्ता के बिना थोड़ा अधूरा सा ही लगता है। एक नींबू है, ये आधा काट लिया हमने जिसकी हमें ज़रूरत है। हल्दी है, हाफ टी स्पून लिया है हमने। एक टी स्पून नमक लिया है। एक टी स्पून ये सरसों के दाने हैं, काली सरसों के दाने हैं ये। एक टी स्पून हमने जीरा और एक पिंच हमने हींग लिया है। आइए अब देखते हैं कि पोहा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम पोहा को पानी में सोक करेंगे, सिर्फ एक मिनट के लिए। ज़्यादा देर तक हम इसे सोक नहीं करेंगे। एक मिनट हो चुका है, अब हम इसे छलनी में से छान लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफलियों को रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है और सिर्फ थोड़ा सा ही हम पैन को चिकना करेंगे ऑयल लगा के। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, सिर्फ मैंने ये ब्रश से ही ऑयल लगाया है। ये गर्म हो गया है और अब इसमें हम ये सारे के सारे पीनट्स डाल देंगे। रोस्ट हो चुकी हैं, तो हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। पोहा बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें एक ये सर्विस स्पून ऑयल का डाला है। पूरा भर के नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा कम ही डाला है, ज़रूरत होगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। अभी घी को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हींग और जीरा। जीरा चटक गया है, इसके साथ ही हम ये काली सरसों ऐड कर रहे हैं। प्याज, हरे कच्चे प्याज हल्के से हमने इसमें फ्राई कर लिए हैं। अब एक बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें गाजर का, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक ही बड़ा स्पून बीन्स, ये भी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसमें। कैप्सिकम ग्रीन वाली, यही एक बड़ा स्पून गोभी चॉप्ड है ये। हरे मटर के दाने, ये भी एक बड़ा स्पून यूज़ कर रहे हैं। हरी मिर्च स्वाद के अनुसार, ये एक कटी हुई हरी मिर्च है। पोहा पूरी तरह जिचुड़ चुका है, बहुत ही खिला खिला है बिल्कुल। अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ और इसमें हम लगाएंगे थोड़ी सी हल्दी ताकि इसका बड़ा अच्छा कलर आ जाए, और उसके साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा नमक।
और इनको मिला देंगे। एक स्पून इसमें मैं दूध का मिक्स कर रही हूँ ताकि पोहा सॉफ्ट रहे। कई बार पोहा बड़ा सूखा सूखा सा बनता है, तो ये एक सीक्रेट है कि जब भी आप पोहे को इस तरह से हल्दी और नमक लगाकर रखते हैं तो उसमें हल्का सा दूध जरूर मिला दें, आप पोहे की क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे मैंने एक कप पोहा लिया है तो मैंने 1.5 चम्मच इसमें दूध का मिक्स किया है। जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है इसको हम ऐसे ही रखते। सब्जियां फ्राई हो गई हैं, हमने सोया चंक्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक। हाफ टीस्पून अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, आप स्वादानुसार नमक ऐड कर सकते हो। सब्जियां सभी फ्राई हो चुकी हैं, हमने इनको ओवर कुक नहीं करना, थोड़ा क्रंची रहनी चाहिए। अब इसमें मिक्स करने जा रही हूं मैं पोहा। सारा पोहा हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ करी पत्ता, जो मैंने अलग से घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। मैं ये बाद में ही डालती हूँ ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से बाद तक बनी रहे और विटामिन से भरपूर पोहा बनकर बिल्कुल ही तैयार है। अब मैं इसे बिल्कुल सिम गैस पर रख के 1 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। 1 मिनट हो चुका है, पोहा बिल्कुल बनकर तैयार है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये रोस्ट की हुई मूंगफली है और इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, 1 स्पून इसका डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। पोहा थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे आधा कटा हुआ नींबू, क्योंकि ज़्यादा गरम गरम में डालने से भी इसका टेस्ट थोड़ा सा खराब हो जाता है। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, साथ ही डालेंगे थोड़ा हरा धनिया। हरा धनिया बहुत ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अब सर्व करने के लिए मैं इसे बाउल में शिफ्ट कर दूं। पोहा को मैं बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा पोहा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खिला खिला बना है बिल्कुल। आपको 2-3 इसमें बातें याद रखनी है। एक तो इसको ज़्यादा देर पानी में भीगे नहीं रहने देना, दूसरा जब भी आप इसको रखोगे तो इसमें थोड़ा सा दूध ज़रूर मिलाना। इसे हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। और जब मूँगफली है, जो मूँगफली के दाने हैं ये उसी समय डालें जब आपने खाने हो। अगर आप सॉफ्ट पसंद करते हैं तो बीच में ऐड कर सकते हैं, वरना इसको तभी ऐड करें जब आपने इनको खाना है। तो ये थोड़े से मैं इसके ऊपर ये रख रही हूँ। ये पोहा बनकर हमारा तैयार है, वेजिटेबल पोहा बनकर तैयार है। ग्लूटिन फ्री, हाई एनर्जी देने वाला, प्रोटीन से भरपूर यह एक नाश्ता अगर सुबह सुबह मिल जाए तो बहुत देर तक पेट भरा रहता है, जिससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। आप ये नाश्ता बनाइए, खाइए और सबको घर में हेल्दी रखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।